जो हमने उबालने के लिए रखा हुआ है वो कहाँ तक। तो देखिए ये दूध जो है वो लगातार बॉईल हो रहा है और धीरे धीरे अब ये गाढ़ा होने को है। तो अब हम इसको 10 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद हम इसकी गैस ऑफ कर देंगे। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ना चीनी और इलायची, उसको हम मिक्सी में पीस के पाउडर बना लेंगे। तो देखिए ये मैंने चीनी और इलायची को अच्छे से पीस लिया है। इसी से दही में एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है और दही का स्वाद और बढ़ जाता है। और इधर देखिए ये दूध है जो कि मैं अब इसको बंद कर दे रही हूँ और इसको एक बड़े बर्तन में पानी डालकर और इस बर्तन को मैं रख दूँगी दूध ठंडा होने के लिए। पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए नहीं, हल्का सा ये गुनगुना रहेगा। उसी पॉइंट पर हम उसमें जामुन देंगे और जो हमने ये चीनी और इलायची का पाउडर जो हमने मिक्सी में पीसा था उसको मिला के फिर हम दही जमाएंगे। तो चलिए दूध को हम ठंडा कर लेते हैं। तो चलिए हम इसी बीच ये चेक कर लेते हैं कि आलू हमारा हुआ है कि नहीं। ये देखिए एक पॉइंटेड सा चाकू लेके और बहुत ही सावधानी से हम चेक करेंगे कि हुआ है कि नहीं। तो अभी आलू नहीं हुआ है, तब तक हम कल जो मैं, तो देखिए तब तक हम क्या करेंगे, कल जो मैं सब्जी बनाऊंगी आलू और गोभी की मसालेदार सब्जी, तो उसके लिए मैं ये गोभी काट के अलग कर लेती हूँ। प्री प्रैप की एक यही बहुत बड़ी सुविधा होती है टाइम सेविंग की। तो अगर हम थोड़ी सी भी तैयारी पहले से कर लेते हैं आने वाले ओकेज़न के लिए तो हमको नेक्स्ट डे बहुत ही राहत मिलती है। बहुत सारा काम रहता है फेस्टिवल पे तो वो धीरे धीरे अकॉर्डिंगली होता रहता है। तो मैं इस गोभी को, ये अब ये आलू बिल्कुल हो चुके हैं, हम इसका एक बार ये देखिए टेस्ट भी कर लेते हैं। ये गया, ये देखिए अच्छे से ये आलू हो गया है, ये देखिए। अब हम इसकी गैस बंद कर देते हैं, पानी को पूरा स्ट्रेन कर देंगे और इसको एक प्लेट में खुला छोड़ देंगे थोड़ी देर सूखने के लिए। दूध मेरा गुनगुना के लेवल पे आ गया है। तो दही जमाने से पहले मैं क्या करूँगी, माइक्रो ओवन को 10 मिनट के लिए मैं प्री हीट कर दूँगी ताकि हमारा दही अच्छे से जम जाए उसमें रखने के बाद। और जब 10 मिनट हो जाएगा तब हम माइक्रो ओवन का स्विच ऑफ कर देंगे। देखिए ये मैंने टाइम सेट कर दिया है 10 मिनट का। तो जब तक ये प्री हीट होगा हम अपना दही रेडी कर लेते हैं। तो जिस बर्तन में आपको जमाना है उस बर्तन में दूध को शिफ्ट कर दीजिए। देखिए ये कैसा हल्का ब्राउनिश सा कलर आ गया है दूध का खोलते खोलते। तो अब हमने इसमें इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। उसके बाद जो हमने ये चीनी और इलायची का मिक्सचर बनाया था उसको डाल देंगे। ये देखिए और उसके बाद हम ये जो जामुन है उसको इसमें हम डाल देंगे। उससे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें हम ये देखिए कितनी बढ़िया मलाई आई है, थोड़ा सा हम इसमें ये दूध डाल के इसको इस तरीके से घोंट लेंगे ताकि अंदर में कोई लम्स ना रह जाए। तो देखिए ये मैंने अच्छे से इसको मिला दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे गणेश जी का नाम लेके ताकि हमारा दही जो है वो अच्छे से टाइटली जमे मॉर्निंग में। और इसको हम अच्छे से मिला देंगे ताकि हमारा जामुन जो है वो बढ़िया से कोने में चला जाए, अच्छे से ये मिक्स हो जाए। देखिए ये रेडी हो गया है माइक्रो ओवन में रखने के लिए। स्विच ऑफ करके हमको रखना है, ऐसा आप लोग मत समझिए कि स्विच ऑन करके रखना है, स्विच को ऑफ कर देना है माइक्रो ओवन के, तब हम ये दही उसमें डाल देंगे जी। तो देखिए ये हमारा आलू ठंडा हो गया है, इसकी मैंने ये जो स्किन थी वो हटा दी है।
थोड़ा थोड़ा रह भी गया है तो कोई बात नहीं, ये एकदम गाँव जैसा तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये आलू को इस बाउल में डाल देंगे और इसको हल्का सा हाथ से ही, देखिए हल्का सा ही प्रेस करना है, जो हमने पीसेस किए थे उसको, ताकि ये मुंह में बड़ा बड़ा ना जाए। तो देखिए मैंने आलू को हल्का हल्का मैश कर दिया है। अब हम इसमें, ये मैंने दो हरी मिर्ची काट के रखी है, ये है आम का अचार, उसका मसाला है, और ये आम की फाकी है। इसमें हम थोड़ा सा ये लाल मिर्चा डाल देंगे, थोड़ा सा हल्का सा ही नमक डालेंगे, क्योंकि हमने इसको जब हमारा आलू बॉईल हो रहा था तब भी हमने इसमें दिया था नमक, और फिर अचार वाला नमक है इसमें, इसलिए हमने इसको कम ही डाला है। और उसके बाद हम ये सरसों तेल इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए हमारा झटपट तैयार हो गया आलू का अचार, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और ये रेडी टू ईट है, ये आराम से 2-3 दिन चलता है। तो ये देखिए हमारा आलू का अचार रेडी हो गया। 10 मिनट पूरे हो गए हैं, अब मैं माइक्रो ओवन का सबसे पहले स्विच ऑफ कर देती हूँ और अब इसको ओपन करके सावधानी से इसमें हम ये कैसरोल को रख देंगे। तो देखिए मैंने दही भी जमने के लिए रख दिया है। तो देखिए ये मेरा आलू का अचार बनके तैयार है। इसमें मैंने ये मूंग की दाल भिगो के रख दी है, ये है उड़द की दाल भिगो के रख दी है, ये मैंने चूड़ा या पोहा, देखिए मैंने बिल्कुल इसको बीन के चुन के साफ करके रख दिया है, ये मैंने गोभी को कट करके रख लिया। हाय एवरीवन, मैं हूँ कीर्ति और आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है, जिसका नाम है कीर्ति झा किचन। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की, बिहू की, पोंगल की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित रहें। तो कल मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने क्या क्या प्रिपेयर किया था, तो चलिए आज उसको हम बनाते हैं और क्या क्या मैं बनाऊंगी वो आप देखते रहिए वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने जो ये रात में भिगो के रखे थे अच्छे से सोक्ड हो गए हैं, और ये भी देखिए। तो मैं सबसे पहले इनको अलग अलग पीस लेती हूँ और उसके बाद इसमें मसाले मिलाऊंगी। तो देखिए मैंने ये मूंग दाल पीस लिया है, ये उड़द पीस ली है, ये 2 बारीक प्याज है जो मैंने छीले नहीं है, बारीक काटने हैं, इसमें डालूंगी। हरी मिर्च थोड़े इसमें, और इसमें मैं कुछ, ये देखिए जीरा डाल दूंगी, इसमें भी जीरा डाल दूंगी, ये साबुत धनिया है ये इसमें जाएगा, और ये है हींग जाएगा इसमें, उड़द वाले में, और इसमें भी जाएगा। तो अब देखिए इधर मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है, गरम होते ही तेल डाल के मैं इसमें गोभी को फ्राई करने के लिए छोड़ दूंगी, और जब तक गोभी मेरी फ्राई होगी तब तक मैं ये फटाफट से काट के इसमें मिला दूंगी। तो देखिए तेल अच्छे से गरम हो गया है और इसमें मैं ये गोभी को डाल दूंगी सावधानी से, ये देखिए। तो देखिए ये जब तक गोभी लाल होगी तब तक मैं आलू को बॉईल कर लूँगी और इसके लिए मसाला पीस के रख लूँगी। तो इसको हम छोड़ देते हैं गोभी को लाल होने के लिए। इसमें प्याज बारीक काट के डाल दिया है, हरी मिर्ची काट के डाल दी है, इस मूंग दाल के पकौड़ी में मैंने देखिए साबुत धनिया, हींग, जीरा और ये हरी मिर्ची काट के रख दी है, और इधर मैंने ये कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में रिफाइंड डाल दिया है और इसको धीमा कर दिया है।
जब तक हम इस सबसे पहले हम ये बनाएंगे उड़द की दाल के बड़े, तो हम क्या करेंगे, जितना हम बनाएंगे उतना ही मटेरियल इसमें डाल के और नमक मिला के तब छानेंगे और बाकी को हम रख देंगे। नमक मिला देने से फिर जल्दी खराब होने का डर होता है। तो देखिए मैंने थोड़ा निकाल लिया है और इसमें मैं नमक डाल के बढ़िया से फेंट दूंगी। तो ये हमारा बड़ा के लिए तैयार हो जाएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। चलिए तो अब हम इसको छान लेते हैं और एक बार हम अपनी गोभी को भी देख लेते हैं कि कितना लाल हुआ है। देखिए गोभी बढ़िया से लाल हो रही है। हम लोगों के यहाँ एक मसालेदार सब्जी बनती है, या तो आप गोभी की बनाइए या आलू मटर की बनाइए, आलू दम बना लीजिए, जैसा आपका मन। तो बस 5 मिनट और उसके बाद में इसको निकालते हैं। तो ये मैं पूरे कढ़ाई में इस तरीके से रिफाइंड को डाल दे रही हूँ और ये देखिए मैंने थोड़ा सा चेक करने के लिए लिया है कि हमारा रिफाइंड गर्म हुआ है कि नहीं। तो बस 2 मिनट और ये लाल होते ही हमारा ये गर्म हो जाता है और फिर हम इसको अग्नि देवता को चढ़ा देंगे। तो देखिए ये रिफाइंड बढ़िया से लाल हो गया है और ये जो हमने डाला हुआ था इसको हम अग्नि देवता को चढ़ा देंगे। तो अब हम इसमें बड़े डाल देते हैं। मैं तो हाथ से ही डालती हूँ, जिनको हाथ से नहीं पसंद हो वो चम्मच से भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने सारे बड़े डाल दिए हैं उड़द के। अब हम इसका वेट करेंगे इसको फ्लिप करने के। तो देखिए अब मैं गोभी को निकाल दे रही हूँ। और इसमें मैं ये देखिए साबुत गरम मसाले हैं, चक्रफूल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची नहीं थी मेरे पास, आप डाल सकते हैं। दालचीनी, जीरा और शाही जीरा, लौंग सब मैं इसमें, काली मिर्च सब डाल दूंगी इसमें और इसमें जीरा भी डाल दूंगी। अब जैसे ही ये गरम मसाला पूरा लाल होगा तो जो मैंने टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और प्याज को पीस के जो पेस्ट रखा हुआ है उसको मैं इसमें डाल दूंगी। तो देखिए ये कितने आसानी से फ्लिप हो गए हैं, इसका मतलब है ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसको हम धीमी आंच पे ही करेंगे, तेज आंच पे लाल तो ये हो जाता है लेकिन ये अच्छे से अंदर से सिकता नहीं है। तो थोड़ा सा इसको मीडियम कर देंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। इधर हमारा देखिए ये गरम मसाला भी बढ़िया से लाल हो गया है। और ये देखिए मैंने ये मसाला पीस के रखा हुआ है। प्याज फिर से बता दे रही हूँ, 1 प्याज, 1 टमाटर, थोड़ा सा अदरक, 2 मिर्ची, लहसुन, सबको पीस के। अब देखिए थोड़ा ग्रीनिश लग रहा होगा, इस पर मैंने धनिया पत्ता भी पीस के डाला है तो अब मैं वो डाल दे रही हूँ। देखिए इधर मसाला भी भून रहा है अच्छे से और इधर हमारे बड़े भी हो रहे हैं। तो जिस तरीके से ये उड़द के बड़े मैंने बनाए हैं ठीक उसी तरीके से जितना मटेरियल मैं बनाऊंगी मूंग की दाल की, देखिए मैंने निकाल के रख लिया है। अब इसमें मैं नमक डाल के इसको अच्छे से फेंट के और इस कढ़ाई में डाल दूंगी इसके उड़द के बड़े बनने के बाद।
और चलते हैं हम अपनी सब्जी की तरफ। तो ये देखिए मसाला भुन रहा है। अब हम इसमें जो है हमारे जो बेसिक मसाले हैं चार, नमक, हल्दी, धनिया और लाल मिर्ची, वो सब हम इसमें डाल देंगे धीरे धीरे। बहुत ही मस्त सी ये सब्जी बनती है। मैंने पहले भी कहा आप आलू मटर भी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने हल्दी डाली है, ये मैंने, ये देखिए मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ। थोड़ा सा चटपटी ये सब्जी बन के तैयार होती है। ये देखिए लाल मिर्ची है ये, और ये है नमक। नमक अपने हिसाब से, अपने अंदाज से। अब हम इसको अच्छे से मिलाते हैं और इसको छोड़ देते हैं धीरे धीरे पकने के लिए। और फिर उसके बाद इसमें पड़ेंगे आलू जो मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं। तो चलिए ये देख लेते हैं, ये हमारा हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और मूंग की दाल के पकौड़े हम छानते हैं। तो देखिए ये मैंने मूंग की दाल के पकौड़े इसमें डाल दिए हैं मध्यम आंच पे। और इधर देखिए मेरी ये सब्जी भी बनके तैयार हो रही है, सब्जी का मसाला भी बनके तैयार हो रहा है। अब हम इसमें ये कसूरी मेथी डाल देंगे और ये है गरम मसाला। गरम मसाला हम इसमें डाल देंगे। मेरे पास है एवरेस्ट का रॉयल गरम मसाला, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट होता है रॉयल गरम मसाला का, एवरेस्ट का। आप लोग जो यूज़ करते हो वो डाल सकते हैं। ये देखिए बढ़िया से हम इसको मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें उबले हुए आलू को डालेंगे। तो देखिए अब मैं इसमें आलू को डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैं आलू को मैश करके डाल रही हूँ, एग्जैक्टली जैसे उबला हुआ था वैसे नहीं डालूँगी। तो इससे क्या होता है कि ग्रेवी भी थोड़ी सी गाढ़ी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो थोड़ा सा मैश किया हुआ, थोड़ा सा ऐसे ही जो आलू का रस्सा बन के तैयार होता है वो बहुत ही टेस्टी होता है। तो देखिए ये मेरे मूंग दाल के पकौड़े एकदम रेडी हो गए हैं। ये देखिए कितना क्रिस्पी लग रहा है। तो अब मैं इसको निकाल के और पूड़ी छानूंगी। और इधर देखिए मैंने आलू इसमें डाल दिया है बढ़िया से भूनने के लिए। तो ये भी धीरे धीरे भुना रहा है। और अब मैं इसमें जो गोभी हम लोगों ने फ्राई करके रखी हुई थी उसको हम डाल देंगे। तो अब हम गोभी के साथ इस पूरे आलू गोभी मसाला वाला को भून के फिर हम इसमें रस्सा लगाएंगे। और इधर मैं ये पकौड़ियाँ निकाल लेती हूँ और पूरी को छानूंगी। तो ये देखिए सब्जी पूरी भुन गई है। अब मैं इसमें रस्सा के लिए पानी डालूंगी हिसाब से। लटपटा चाहिए तो लटपटा, नहीं थोड़ा रस्सा चाहिए तो रस्सा। आपका जैसा मन करे आप एग्जैक्टली वैसा ही इसमें पानी डाल सकती हैं। तो मैंने अभी इसमें ये पानी डाला है, मिला के देखूंगी कि मुझे इसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से मैं इसमें पानी डालूंगी, फिर इसमें नमक डालूंगी और फिर इसको छोड़ दूंगी बॉयल होने के लिए। तो देखिए ये मैंने पानी थोड़ा सा और मिलाया है क्योंकि बॉयल भी तो होगा, और मैंने इसकी सीजनिंग भी चेक कर ली है। इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला और मिला दिया है। बढ़िया से मिला के अब हम इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। और जब तक ये बॉयल होता है तब तक मैं धनिया पत्ता बारीक काट लूँगी। और जो मैंने आपको दिखाया था ना कल रात में माइक्रोवेव में मैंने दही जमाने के लिए देखा था, तो अब हम उसको भी देखेंगे कि हमारा दही जमा है कि नहीं जमा है। तो इसको देखने के लिए दही को कि कैसा जमा है, जमा भी है कि नहीं जमा है, तो इसको देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा दही जमा है कि नहीं। मैं बहुत नर्वस हूँ देखने के लिए
कि क्या होता है, क्योंकि रात में कल मौसम बहुत ही ख़राब था, बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि दही नहीं जमता है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा दही जमा है कि नहीं। ये देखिए खुल नहीं रहा है एक हाथ से, तो मैं थोड़ा सा इसको घुमाती हूँ। देखिए कैमरा बहुत नज़दीक है, ये देखिए खुल गया है। 1, 2, 3, तो ये देखिए क्या दही जमा है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से दही जम चुका है हमारा, सौंदा सौंदा वाला दही और चीनी और इलायची वाली। तो देखिए हमारी सब्जी अब बॉईल हो रही है, तो जब तक ये बॉईल होती है तब तक मैं इसका एक बघार बना रही हूँ। ये देखिए घी और जीरा का, बस जीरा पकेगा और हम इसमें डाल देंगे इस सब्जी में, बहुत ही एक अच्छी सी खुशबू आती है। और बघार को डालने के बाद हम इसको ढक देंगे। तो देखिए ये बघार मेरा तैयार हो गया है, और इसको हम इस तरीके से करके और झट से इसको ढक देंगे 5-10 मिनट के लिए, ताकि घी की खुशबू पूरी इसमें बैठ जाए। दही की थाली तैयार हो गई है। ये है दही, आलू गोभी की मसाले वाली सब्जी, मूंग दाल के पकौड़े, उड़द की बड़ी, ये है धनिया पत्ता की चटनी, आलू का अचार, तिलकुट, पूड़ी और ये है चूड़ा। ये चूड़ा जमशेदपुर का है, जो मेरी एक डियर सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा है, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। कैसी लगी मेरी थाली आप लोग बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, और देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।